यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं क्राफ्टर एमसी स्काईब्लो के एक और न्यू वाले वीडियो पर। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूवर स्टाफ के बारे में। देखो गाइस, ये वेपन लगता है भाई कुछ खास डैमेज वगैरह नहीं देता है, बट गाइस इस वेपन को, इस टूल को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर मैं अभी इसकी एबिलिटी वगैरह की बात करूं तो ये डैमेज देने वाला है 2300 के आसपास। भाई 2000 डैमेज कम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ये सारा का सारा ट्यूबर स्टेप कैसे बनाते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या फ़ायदा है, सब चीज़ ए टू जेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं अपना कैमरा एंगल यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, ये इससे पहले मुझे लगता है ये ट्यूबर स्टाफ बहुत कम ही बंदे यूज कर रहे थे। इस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ गाइस ये बेबी स्लाइम सीप स्पॉन होते हैं नो लेवल के, जो कि ये जाके फटते हैं। अगर आप स्लेयर वगैरह का मिशन कर रहे हो तो आपको पता होगा, या फिर जॉम्बी वगैरह मारने जाते हो तो गैस ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ओके, तो इस सबसे पहले मैं इसका कलेक्शन की बात करूं, इसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कलेक्शन में अगर मैं यहां पर कॉम्बैट पर जाता हूं, इसके बाद गैस स्लाइम बॉल पर, तो मेरा यहाँ पर बहुत सारा चीज़ अनलॉक नहीं है, लेकिन एक भाई ने मुझे दिया था तो वो गाइस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद ऐसे ही आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है इंचांटेड स्लाइम ब्लॉक, इसके बाद ये रहा ट्यूबर स्टाफ। यहाँ पर गाइस ये जो इंचांटेड स्लाइम ब्लॉक है ये आपको 8 लगने वाले हैं, और गाइस नॉर्मल 2 स्टिक, तो आपका ये बन जाने वाला है यहाँ पर ये ट्यूबर स्टाफ। नॉर्मल इसका डैमेज 30 देता है अगर इससे मारोगे तो, इस आइटम से। लेकिन गाइस जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो बेबी स्लाइम जो स्पोन होते हैं वो जाके यहाँ पर 1800 का डैमेज देने वाला है। ये गाइस नॉर्मल कोई इंचांटमेंट वगैरह, कोई रिफोर्ज वगैरह ऐसा कुछ भी इसमें नहीं रहेगा, और 1800 का जो है वो डैमेज देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिफोर्ज वगैरह करते हो, यहाँ पर शार्पनेस, टेलीकिनेसिस और वैम्पायरिज्म वगैरह लगाते हो तो गाइस इसका डैमेज और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर अभी 2300 के आसपास यहाँ पर ये डैमेज देने वाला है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको क्या करता हूँ, अगर आप न्यू बंदे हो, बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा, सिंपल मैं डीप के पर, यहाँ पर स्लाइम वैली पर तो मैं जा नहीं सकता हूँ। मैं गैस यहाँ पर जो मेन डीप केव का हब होता है वहाँ पर जाता हूँ और फिर गैस आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद हम लोग केव पर आए हुए हैं। ये है गेट कीपर, गेट कीपर के बाद आपको स्लाइम वैली यहाँ पर जाना होगा। ओके, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर स्लाइम वाले जो ज़ॉम्बी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गैज इन्हीं से आपको फाइट करना होगा, मतलब कि ये कलेक्शन यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। स्लाइम वाला जो है, अगर आप चाहे तो मिनियन वगैरह भी वैसे भी अनलॉक कर, लेकिन गैज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आके ना ये सारे जो यहाँ पर स्लाइम सिफ हैं इन्हें गैज आप मार सकते हो। अगर आपके पास वो है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये आपके ऊपर गैज स्प्लिट करते हैं, तो गैस ये जो थूकते हैं थोड़ा सा आपसे, आप इनसे बच के रहना, और साथ ही साथ यहाँ पर स्लाइम नॉर्मल भी स्पॉन होते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे स्लाइम पे भी जो होते हैं सिप वाले वो आपके सामने रह के फटते हैं, राइट? तो ये गैस ये भी सेम ऐसे ही होते हैं, आपके सामने वो आएंगे और वो गैस यहाँ पर फटेंगे। नॉर्मल इनका हेल्थ कुछ खास नहीं होता है, सो गैस इस वजह से आप आराम से जो हैं वो यहाँ पर इन्हें मार सकते हो। तो ऐसे ही गैस कर कर के आपको अपना कलेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। ओके गैस, यहाँ पर बहुत सारा केव है, अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है तो यहाँ गैस आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर एक्सप्लोर करना। यहाँ पर एक्सप्लोर करते ही अगर आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है आपका ये कलेक्शन, तो इसके बाद आप बना सकते हो, या फिर आप चाहे तो ढेर सारा जो यहाँ पर मिनियन है वो मिनियन को लगा के भी आप अपना कलेक्शन को गैस अनलॉक कर सकते हो।
तो ये है वो लोकेशन जहाँ से आप यहाँ पर कलेक्शन वगैरह को अनलॉक कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट बंदे हो तो, न्यू बंदे हो तो। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप सिंपल क्राफ्ट कर लेना इंचांट वगैरह करने के बाद। अभी मैं अपना टीवर स्टाफ का करंट यहाँ पर क्या क्या लगाया हूँ, रिफोर्ज गाइस मैं हीरोइक वाला लगाया हूँ जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ 32 प्लस देगा और साथ ही साथ अटैक स्पीड +3 मुझे देने वाला है। ओके, इंटेलिजेंस की बात करूँ तो वो मुझे 80 और देने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर शार्पनेस, नॉकबैक, जस्ट सेकेंड, शार्पनेस, टेलीकिनेसिस और वेम्पायरिज्म ये लगाया गया है। तो ये सारा चीज़ गाइज आप यहाँ पर लगा के ये आइटम को आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो, जो डैमेज वगैरह होता है वो आप बढ़ा सकते हो। एक बार हम लोग क्या करते हैं, सिंपल विलेज पर जाते हैं, फर्टाइल वैली पर आपको जाना होगा, और इसके बाद आप अगर चेक करना चाहते हैं मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग आ गए फर्टाइल वैली। ऐसे एक चीज़ मैं अभी फेस किया हूँ iOS पर, आई डोंट नो भाई, ये अपडेट आने के बाद थोड़ा सा क्राफ्टर MC लेग हो गया है, पता नहीं, ऐसा तो पहले नहीं होता था बट मुझे थोड़ा सा लेग, मतलब इन गेम लेग मुझे देखने को मिल रहा है। पता नहीं आप सारे बंदे को लेग वगैरह फील हो रहा है कि नहीं, बट ये गेम मतलब कि थोड़ा सा लग रहा है इस अपडेट में, पता नहीं ऐसा क्या है क्या नहीं। देख लो गाइस, मैं राइट क्लिक किया, ओ भाई जाके फट गया। एक और बार राइट क्लिक करते हैं, ये मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, 25 माना ऐसे ही कुछ लेता है। ये बेबी स्लाइम किया गया गया गया, ओ, इसका एक्चुअली ये जो स्पॉन टाइम है ना, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। सो इस वजह से गाइस ये ऐसा मत सोचना कि एक बार बेबी स्पॉन हो गया तो वो आपका 10 सेकेंड तक रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पर ये कुछ तो इसका टाइम आउट है, और साथ ही साथ गैस ये डिस्पॉन तुरंत हो जाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये इसे इस आइटम को आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं करो, ये ज़रूर से ज़रूर आपका फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे बंदे देखना गैस ये ट्यूबर स्टाफ जो है वो यूज करते हैं, सो मुझे लगा गैस आपको ज़रूर बताना चाहिए। देख सकते हैं गैस यहाँ पर एक स्लाइम जाके फट रहा है और ख़त्म, ये सेकंड वाला, ये सेकंड वाला, ये डिस्पोन हो जाएगा। ओके, मतलब कि जब लास्ट बार डिस्पोन होता है तो वो फट जाता है। यहाँ पर जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये 25 माना लेके ये स्पोन हो रहे हैं, और आमने सामने एक इसका रेंज है, इसके सामने जाके वो फट जा रहे हैं। अगर नहीं रहेगा कोई भी आमने सामने तो ऑटोमेटिक डिस्पोन हो जाते हैं। तो देख लो गाइस भाई, ये एक बार में एक स्लाइम जो है एक बार में 2000 से भी ज़्यादा का डैमेज दे रहा है, इस वजह से ये सारे ज़ॉम्बी एक एक बार में मर रहे हैं। मतलब कि ये आप कंपेयर कर सकते हैं, ये जो रेवेरेंट फेल्चियन है ये है, अगर मान लो मैं इसे एक बार वन शॉट करता हूँ इसे, तो देख लो गाइस वन शॉट में भी तुरंत किल नहीं हुआ, थोड़ा सा मुझे डिले लगा, काहे कि मैं यहाँ पर और सारा यहाँ इंचांटमेंट वगैरह लगाया हूँ। सो इस वजह से यहाँ कहीं ना कहीं जो है ये मर रहे हैं, नहीं तो मुझे लगता है वन शॉट, अभी तक मैं इसे पूरा का पूरा अपग्रेड नहीं किया हूँ कि वन शॉट वन किल कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं ट्यूबर स्टाफ को बस राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 HP का सेफ है, लेकिन 2000 का ये डैमेज, 2000 प्लस जो है वो डैमेज दे रहा है। तो आप एक बार ज़रूर यूज़ करना, आप अपना रेटिंग बताना कि क्या है क्या नहीं। मुझे तो गैस अच्छा लगा, अच्छा रेटिंग, मतलब एक एवरेज है, तो इसे हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसका आप ज़रूर यूज करना, अगर आपके पास कलेक्शन है तो, या फिर आप चाहे बनाना चाहते हैं, मतलब ग्राइंड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली गैस इस पर आप ग्राइंड वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ओके, आपको आपके लिए गैस ये ट्यूबर स्टाफ कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ज़रूर से ज़रूर होगा। हाँ, इससे ज़्यादा हाई लेवल के वेपन है आपके पास तो वो अलग बात है, बट अगर आप बनाना चाहते हैं और यहाँ पर ये आपका ज़ॉम्बी का स्लेयर वगैरह जो है कलेक्शन वगैरह कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आइटम भी, ये ट्यूबर स्टाफ भी आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर से ज़रूर हो सकता है। बाकी गैस ये ट्यूबर स्टाफ कितने सारे बंदे बनाए हैं, कितने सारे नहीं बनाए हैं, आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास एक भाई ने दिया था, इस वजह से मेरे पास है, वरना गैस मैं ये फेल्चियन पर ग्राइंड ऑलरेडी किया था। ओके, तो चलो गैस अभी के लिए गुड बाय एंड लिव यू ऑल।